नमस्कार, हमारा बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं राकेश और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। मंत्री अशोक चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री से मिलकर भावुक हो गए अशोक चौधरी और नीतीश कुमार मेरे अभिभावक हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। अशोक चौधरी जेडू के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं और अब चारों तरफ बयानबाजी का जो शोर है वो थमता नजर आ रहा। हालांकि उस बात को लेकर लगातार विपक्षी पार्टी मुद्दा बनाए हुए हैं, जिस बात पर, जिस ट्वीट पर, जिस कविता पर लगातार पिछले दो दिनों से बिहार की राजनीति में जो हलबली है वो देखी जा रही थी। और अब नीतीश कुमार से अशोक चौधरी ने मुलाकात की है। पिछले दो से तीन दिनों से विवाद चल रहा था। जो ट्वीट अशोक चौधरी ने की थी वो ट्वीट तो डिलीट हो गया, लेकिन विपक्षी पार्टी ने इसे मुद्दा बना लिया, उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने घेरते नजर। उसके बाद अब अशोक चौधरी को एक और बड़ा पद दिया गया है क्षेत्रीय दल में होते हुए, अब वो राष्ट्रीय स्तर के नेता होंगे अशोक चौधरी, क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। और वो नीतीश कुमार से मुलाकात भी की और इस दौरान वो काफी भावुक भी हुए हैं। तो नीतीश कुमार मेरे अभिभावक हैं, अशोक चौधरी ने ऐसा बयान दिया है। जेडू के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं अशोक चौधरी। ये पार्टी नेता का प्यार है, स्नेह है, और हम समझते हैं कि जब हम कांग्रेस पार्टी से यहाँ आए थे तो 2020 में माननीय नेता ने न सिर्फ कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी का बनाया, फिर चुनाव के बाद विभिन्न जगहों पर जिम्मेवारी भी दी, महत्वपूर्ण काम की जिम्मेवारी भी दी, विभिन्न चुनावों में भेजने का काम भी किया और फिर राष्ट्रीय महासचिव बनाए हैं। मेरा प्रयास होगा कि माननीय नेता के का जो उम्मीद है, माननीय नेता का जो जिस भाव से उन्होंने हम बनाया है उस पर हम अपना खड़ा उतरने का प्रयास करें। ट्वीट का तो असर तो नहीं दिख रहा है। तो बड़ी पॉलिटिक्स में ये सब छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जाता है। सर, आने वाला विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से पहले आपको जिम्मेदारी मिली है तो लग रहा है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है नीतीश कुमार ने। जैसे हर एक कार्यकर्ता, देखिए जिनको पद मिलता है उन्हीं की जिम्मेवारी नहीं है, सबकी जिम्मेवारी है, लेकिन जिस तरह से कुछ लोग ऐसा परसेप्शन बनाने का प्रयास कर रहे थे, एक्चुअली में पॉलिटिक्स में टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने माननीय नेता से पद मांगा नहीं था, उन्होंने खुद दिया है। संजय झा जी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने बताया हमको कल कि नीतीश जी का फोन आया था आपके लिए, सो हम लोग कल और आज उन्होंने फोन करके बधाई दी। तो ये भी नहीं बताया कि किसके क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय महासचिव का आज निकला तो निश्चित रूप से हमारे लिए भावुक पल है कि राजनीति में दो बार हमें बड़ा कष्ट हुआ था। एक कष्ट हुआ था जब हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ा था, राजनीतिक रूप से बहुत भावुक हुए थे इसलिए कि हमने जान प्राण लगा के कांग्रेस को खड़ा करने का प्रयास किया था प्रदेश में, और वहाँ पर अगर कोई आदमी आपको प्रताड़ित करने लगे ये कह करके कि लांछना लगाने लगे तो फिर हम असहज हो गए। फिर हम नीतीश जी ने बुलाया और हम चले आए। और दूसरी बार अभी हमें लगा कि हमको लोग घेरने का प्रयास कर रहा है, तो ठीक है, समय आता है कभी आदमी जीवन में। हम यही जानते हैं कि प्यार करना है तो माता पिता से करो, महादेव से करो, सम्मान करना है तो अपने नेता करो, आदर उनका करो, बाकी से कोई मतलब नहीं है, बाकी कोई कुछ बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमको लगता है कि हमको उसका रिटर्न मिला। आपको राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गए हैं, झारखंड में चुनाव भी है तो झारखंड एक निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष करेंगे। हमने पहले भी कहा है, हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन से बातचीत चल रही है, बातचीत सकारात्मक है। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी लगातार संपर्क में है, कुछ फ्रूटफुल होगा, आशान्वित हैं कि पार्टी के लिए कुछ अच्छा होगा, और जब होगा हम उसकी खबर मीडिया के माध्यम से सब लोग को देंगे। चौधरी जी, जिस प्रकार से इंडिया अलायंस यहाँ भी बना रहा, तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, मंत्री अशोक चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उनका भावुक भरा जो बयान है वो आपने सुना। मीडिया कर्मियों को उन्होंने
बताते हुए कई बातों का जिक्र किया। इस दौरान अहम बात भी उन्होंने की और जानकारी दी कि कई ऐसे लोग हैं जो उन्हें घेरने में लगे हुए हैं, फिर भी उन्हें अपने नेता के सम्मान में जो उन्हें जो पद दिया गया है वो वाकई में बहुत ही भावुक पल है। स्वागत। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए ब्यूरो चीफ अनिल कंवल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल कंवल जी, एक बहुत ही बड़ा पद, राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए हैं अशोक चौधरी, क्योंकि पार्टी ने उन्हें बड़ा पद दिया है, बड़े नेता बन गए हैं, अब उन्हें राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि पिछले दो दिनों से जिस तरह से छींटाकसी की जा रही थी नीतीश कुमार और अशोक चौधरी के रिश्तों के बीच, उतना ही अशोक चौधरी अब नीतीश कुमार के करीब नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहा नीतीश कुमार से मिलने के बाद अशोक चौधरी ने? बिल्कुल, देखिए राकेश, नीतीश कुमार को अपना अभिभावक बताते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि वो हमारे अभिभावक हैं और मुझे राष्ट्रीय महामंत्री राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, ये मुझे भी नहीं पता था। और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है संजय झा, उन्होंने फोन करके उन्हें बधाई दी थी, तब उन्हें पता चला कि इन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। यानी नीतीश कुमार में पूरी आस्था उन्होंने जताई और उन्होंने यह भी कहा कि मैं जीवन में दो ही बार भावुक हुआ हूं, एक बार जब कांग्रेस को छोड़ा था, मेरे ऊपर कई एलिगेशन लगाए गए थे, तब मैंने कांग्रेस छोड़ा था, दूसरी बार आज भावुक हुआ हूं जब नीतीश कुमार ने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया है कि मुझे इतने बड़े पद से नवाजा है। तो ये उनकी बात थी। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या कहीं ये लेटर का, आपके जो ट्वीट का या एक्स पे जो पोस्ट किया था, उसका साइड इफेक्ट तो नहीं है, तो वो मुस्कुराने लगे। उन्होंने फिर कहा कि जिसको जो इंटरप्रेट करना है कर ले, लेकिन मैंने कल ही कर दिया था, मेरे मित्र ने एक भेजा था ये और मैंने उसे अच्छा लगा था तो वो पोस्ट किया है। इसके अलावा अशोक चौधरी ने लालू यादव पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज वो दलितों के ऊपर जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, शुरू से उनकी आदत रही है, दलितों को वो कमजोर समझते रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में दलित कमजोर नहीं है कि जिस प्रकार से वो भाषा बोल रहे हैं नीतीश कुमार, ये जीतनराम मांझी के लिए वो भाषा कहीं से उचित नहीं है और आने वाले समय में दलित समाज जो है लालू प्रसाद यादव को सबक सिखाने का काम करेगा। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी को भी नसीहत दी है, जो विदेशी धरती पर जाकर के जिस तरह से बात बोलते हैं राहुल गांधी, वो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गलत है, विदेशी सरजमी पे जाकर के अपने ही देश के। बिल्कुल अनिल कंवल जी, आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल दर्शकों के एक बार फिर से बड़ी जानकारी दे दें कि नीतीश कुमार से मुलाकात की है मंत्री अशोक चौधरी ने। पिछले दो दिनों से जिस तरह से सियासी घमासान देखने को मिल रहा था, एक ट्वीट पर जिस तरह से विवाद छिड़ गया था, उसके बाद यह बताया जा रहा था कि नीतीश कुमार के लिए अशोक चौधरी ने जो ट्वीट किए वाकई में वो ट्वीट नहीं करना चाहिए था, हालांकि वो ट्वीट डिलीट भी हो गया। उस मुद्दे को देखा जाए तो बिहार की सियासी गलियारों में अब हवा तो नहीं मिल रही, लेकिन नीतीश कुमार के करीब अशोक चौधरी और भी आ गए और अब तो राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में उनकी पहचान हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक और बड़ी जिम्मेदारी दे दी है अशोक चौधरी के कंधे पर, उन्हें अब पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। नीतीश कुमार मेरे अभिभावक हैं, अशोक चौधरी ने ऐसा बयान दिया है। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है और ये मुलाकात दो दिन पहले भी हुई थी, जब नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा था कि अशोक चौधरी ने जो कविता पोस्ट की है वो नीतीश कुमार के लिए था, तब आनंद फानंद में सीएम हाउस बुलाया गया अशोक चौधरी को और मिलने के बाद उन्होंने सफाई दी और प्रेस के सामने भी आकर उन्होंने बताया कि ये पोस्ट नीतीश कुमार के लिए नहीं था, ये पोस्ट प्रासंगिक है आज के समय में वैसे बच्चों के लिए जो माता पिता की बात नहीं मानते। लेकिन अब आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अशोक चौधरी ने मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद जो बयान उन्होंने दिया है, तमाम जो बयान आपने जो बयान सुना वो भावनाओं में दिए हुए बयान थे, क्योंकि वो काफी भावुक होते हुए नजर आए और भावुकता से भरे इस बयान में कई सारी बातों का भी उन्होंने जिक्र किया। और चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी ले रहे हैं हमारे साथ ब्यूरो चीफ अनिल कंवल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल कंवल जी, काफी भावुक भरा बयान अशोक चौधरी दे रहे थे, कई बातों का जिक्र किया, कांग्रेस से निकलने का दर्द भी छलका और साफ तौर पर हमने सुना। एक अहम बात उन्होंने और कही कि कई लोग हैं जो मुझे घेरने का प्रयास कर रहे हैं। जो कविता उन्होंने पोस्ट की थी दो दिन पहले, एनडीए के भी कुछ नेताओं ने बयान दिया था अशोक चौधरी के खिलाफ और नीरज कुमार जो उन्हीं के पार्टी के नेता हैं प्रवक्ता, उन्होंने भी बयान दिया था। तो क्या अशोक चौधरी को एहसास है कि उन्हीं के कुनबे के कुछ नेता ऐसे हैं जो शायद उनसे परहेज कर रहे या फिर कहीं ना कहीं कुंठित हैं, ऐसा शायद अशोक चौधरी को एहसास है या फिर हो गया?
बिल्कुल देखिए राकेश, जो राजनीति होते हैं, जो राजनीति करते हैं इस फील्ड में, एक दूसरे की टांग खींचने की और जो आगे बढ़ता है उसे निश्चित तौर पर गिराने की कोशिश की जाती है। कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं, संभवतः अशोक चौधरी को इस बात की भी पीड़ा रही होगी और जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था शायद उसी का नतीजा रहा होगा। हालांकि वो उस बात से मुकर रहे हैं बार बार, लेकिन जिस प्रकार की बात आज उन्होंने की है, उनका सिर्फ ये कहना था कि नीतीश कुमार जी हम मेरे अभिभावक की तरह हैं और आज उन्होंने जो मेरे लिए किया है वो ताम्र नहीं भूल पाएंगे। और दूसरी बात उन्होंने कही कि दो बार वो जीवन में अपने भावुक हुए हैं, सबसे ज़्यादा जो भावुक हुए थे, एक बार उन्होंने जब कांग्रेस छोड़ा था, जब उनके ऊपर लांछन लगाए गए थे उस वक्त, और दूसरी बार आज भावुक हुए हैं जब नीतीश कुमार ने उनके ऊपर इतना विश्वास जताया है कि इतना बड़ा पद और इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी है। तो अशोक चौधरी बाहर जब नीतीश कुमार से मिलकर लौटे थे तो उनसे यह भी सवाल किया गया कि क्या यह एक्स पोस्ट का साइड इफेक्ट तो नहीं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, फिर से कहा कि जिन्हें जो इंटरप्रेट करना है वो करते रहे, मैं आज भी कहूँगा कि मेरे मित्र ने भेजा था, मुझे अच्छा लगा था तो ये पोस्ट किया था, इसलिए कि आज के बच्चे जो हैं वो बड़े बुजुर्ग का सम्मान नहीं करते, इस तरह की बातें उन्होंने कही। लेकिन जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि 2025 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल, खासकर जो इंडी अलायंस के बड़े घटक है बिहार में, उन्होंने कहा कि 2010 से बुरी स्थिति में आएंगे राष्ट्रीय जनता दल के जो विधायक है वो चुन के, यानी 2010 में 22 सीटों पर जो राष्ट्रीय जनता दल सिमट गई थी, अशोक चौधरी ने दावा किया कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा 22 सीटों से भी नीचे राष्ट्रीय जनता दल के जो विधायक है वो जीत कराएंगे। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी को भी नसीहत दी है, जो विदेशी धरती पर जा करके भारत के खिलाफ बोलते हैं, आरक्षण पर बोलते हैं, भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया इस पर बोलते हैं, तो उन्होंने नसीहत दी है कि राहुल गांधी कृपया कर वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के उस स्पीच को सुने जो उन्होंने यूएनओ में विपक्ष के नेता रहते हुए दिया था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी नसीहत देते हुए नज़र आ रहे हैं। अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि देश और बिहार में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा ला रहे हैं आरक्षण का, वो मुद्दा ला रहे हैं जातीय गणना का, वो मुद्दा ला रहे हैं संविधान का, उसी मुद्दे के साथ वो 2024 के लोकसभा चुनाव में गए थे तो बुरी तरह उनकी हार हुई थी और फिर इसी मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो समझना मुश्किल नहीं है। अशोक चौधरी का ये कथन था कि इस बार भी उनकी बुरी तरह से हार निश्चित होगी क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इन्हीं पीटे हुए मुद्दों के साथ वो विधानसभा चुनाव जीतना चाहते हैं या कहीं भी जिस भी राज्य में चुनाव हो रहा है वो जीतना चाहते हैं। तो यानी अशोक चौधरी ने आज खुलकर बात कही और अशोक चौधरी आज बाहर चले गए हैं। बाहर जाने के पहले उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जो मुलाकात की थी और सबसे बड़ी बात यह है कि अशोक चौधरी का जो कद बढ़ा है झारखंड पे, जब मैंने उनसे सवाल किया कि झारखंड में जेडीयू कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी, चूँकि 5 सीट मांग रही है जेडीयू, पहले तो 11 की खबर आ रही थी कि 11 सीटों से कम पर सहमति नहीं बनेगी, लेकिन अब सुनने में यह आ रहा है कि जेडीयू 5 सीट भी लेकर चुनाव लड़ सकती है वहाँ। हालांकि इस सवाल पर अशोक चौधरी का कहना था कि जिम्मेदारी बड़ी है, कद बढ़ा है, तो देखना यह भी आम होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव झारखंड और उसके बाद जब बिहार में चुनाव होते हैं तब जेडू यानी कि इस पार्टी को कितने बुलंदियों तक ले जाता है अशोक चौधरी, देखना काफी दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए।